की बात हिंदू राष्ट्र की ये सरकार नहीं चलेगी आपकी बात हम लोग खड़े हैं इस बात को कहने के लिए कि त्रिपुरा में जो हिंसा का घटना मुसलमान तबके के खिलाफ हो रहा है, मस्जिद जलाना, उनके दुकानों को वैंडलाइज करना, उन पे अटैक करना, ये इस देश में कोई नई बात नहीं है। वहाँ विश्व हिंदू परिषद के गुंडे घूम घूम के ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ उस हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर वहाँ पर जो अटैक हुआ उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे रैली कर रहे हैं, और उस बहाने वो लोग घूम घूम के पीट रहे हैं। और हम मानते हैं ये इसलिए नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश में कुछ हुआ, ये इसलिए हो रहा है कि इस देश में एक ऐसा सरकार है, एक आरएसएस का सरकार है, और वो सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग चीज़ों को खोज के मुसलमानों पे अटैक करने का एक अटैक चलाया जा रहा है। वो किसके फ्रिज में क्या रखा है, कौन सा मीट है, कभी इस बहाने, कभी इसलिए क्योंकि दाढ़ी है, कभी इसलिए कि वो नमाज पढ़ने जा रहा है। मुसलमान नागरिकों की नागरिकता पे बात आ बनी है, और सीए एनपीआर एनआरसी के द्वारा लगातार आरएसएस और भाजपा का सरकार कोशिश कर रहा है कि एक दोहरे नागरिकता के दर्जे पे इनको ढकेल दिया जाए। थोड़ा बात करते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज दुर्गा पूजा के दौरान अटैक्स हुआ उन पे, लेकिन सबसे खूबसूरत जो बात थी वो है कि बांग्लादेश में हजारों लाखों के संख्या में एक 90% मुस्लिम बहुल देश में लोग उतरे सड़कों पे और बोले कि जिन्होंने ये अटैक्स किया उनको अरेस्ट किया जाए। और शेख हसीना गवर्नमेंट वहाँ पे मजबूर हुई कि 450 लोगों को जेल में डाले। साथ में एक बहुत ही और खूबसूरत बात, वहाँ के प्रोटेस्ट ने, वहाँ के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने जो प्रोटेस्ट किया ढाका में, एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, राष्ट्रेर कोनो धर्मो नाई, राष्ट्र धर्मो बातिल चाई। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, स्टेट रिलीजन को खारिज करने के डिमांड के साथ उतरे थे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में एक खास मेजोरिटेरियन रिलीजन को प्रमोट करने का कोशिश, और उसके तहत जो भी माइनॉरिटीज है उन पे अटैक करने का 2014 से एक सिलसिला शुरू हो चुका। और ये 2014 की बात ही नहीं है, हमें पता है 90 के दशक में जब बाबरी ढहाया गया था, जब गुजरात के दंगे हुए, और आज लगातार जिस तरीके से एक के बाद असम में हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा किस तरीके से कम्युनली टारगेटेड एविक्शंस हुए, किस तरीके से एक फोटोग्राफर एक डेड बॉडी पे चढ़ा और उसमें लाठी मारा। और ये आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो सोच है भाजपा आरएसएस जो जहर घोल रहा है इस देश में, उसके खिलाफ एकजुट होने का। आज इस देश में बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश का चुनाव। और जब जब देश में ऐसा कोई चुनाव आता है, जब जो भाजपा को लगता है कि वो हारने वाला है, तब तब इस देश में सांप्रदायिकता का जहर और तेजी से घोला जाता है। और अगर त्रिपुरा में कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सामने एक ऐसा चुनाव आने वाला है, एक स्टेट का चुनाव आने वाला है जिसमें भाजपा डरी हुई है और इसीलिए मुसलमानों पे अटैक कर रहा है, एक अदरिंग कर रहा है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का, और अपना वोट बैंक बनाने का कोशिश कर रहा है, और इसको नहीं होने देना है।
आज हम लोग को बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है जो स्लोगन उस सड़कों पे लगा कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म को खारिज करना। इसके साथ और आने वाले दिनों पे इसी को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन उसको बदलने की जो कोशिश हो रही है उस सेक्युलरिज्म शब्द को अनऑफिशियली हटा ही दिया गया है और उसको उस पर जो अटैक है उसको बचाने की लड़ाई है। ये देश अशफाक और भगत सिंह का देश है, ये देश अशफाक और बिस्मिल का देश है और इस देश में सांप्रदायिकता का कोई जगह नहीं है। इस देश में साझी लड़ाई और साझी शहादत इस देश ने देखा है और इसी चीज़ को आगे हमें ले जाना है। आज त्रिपुरा में जो हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगने के डिमांड के साथ, बिप्लब देब के रेजिग्नेशन के डिमांड के साथ हम लोग आए हैं। एक और छोटी बात बोल के मैं ख़त्म करूँगी बात। दिल्ली पुलिस का लगातार जो रोल रह रहा है, कुछ दिन पहले त्रिपुरा भवन के सामने जब हम लोग प्रोटेस्ट किए तो बहुत ही बुरी तरीके से डिटेन किया गया, मारपीट किया गया, बस में उठा के धक्का मारा गया, लात मारा गया और यही दिल्ली पुलिस अमित शाह को बचाने के लिए, ये सैलरी भले ही हमारे टैक्स के पैसे से इनकम जा रहा है लेकिन ये चाटुकारिता कर रहे हैं अमित शाह की। और अमित शाह के कहने पे इस शहर में हर आवाज को दबाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रहा है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट के जरिए हो या कोई अन्य जरिए। ये दिल्ली पुलिस पे ये लगातार बात आ रही है कि दिल्ली पुलिस प्रोटेस्ट में महिलाओं पे सेक्सुअल असॉल्ट करती है और सेक्सुअल असॉल्ट हमारी बातों को दबाने के लिए, पर कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, सेक्सुअल असॉल्ट करो, लाठी मारो, कुछ भी कर लो, दिल्ली की सड़कों में देश की कोने कोने की आवाज गूंजेगी, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाजें गूंजेगी, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए आवाज गूंजेगी, मजदूरों के लिए आवाज गूंजेगी। शुक्रिया।